यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं कार सेलर वाला गेम, जो कि आपने टेक्नो गेमर्स को खेलते हुए तो देखा ही होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो पीसी में खेलते हैं और हम खेलने जा रहे हैं मोबाइल में। ये अभी न्यू रिसेंटली लॉन्च हुआ गेम है, जिसको एक बार हम टेस्टिंग के लिए खेल के देखते हैं। तो ये है हमारी प्यारी सी छोटा सा शोरूम। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका नाम चेंज। तो ये हमारे पास कंप्यूटर है, और वैसे हमारे पास यहाँ साइड में भी इन्होंने एक कंप्यूटर दे रखा है, तुम क्यों ना यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं नाम। तो अभी इस पे कुछ और लिखा हुआ है, तो ही इसका नाम बदल के हम अपने चैनल के नाम पे रख देते हैं। तो इसका नाम यहाँ से काटते हैं और लिखते हैं यूट्यूब बी ई गेमर्स 2.0। तो अब हमने चेंज कर दिया अपने इस चैनल इस शोरूम का नाम। तो आप देख सकते हैं इसका नाम चेंज हो चुका है। तो जैसे वो पीसी वाले गेम में होता है, बिल्कुल इसमें सेम वैसा ही है। हमें कहीं से जाके कार वार ख़रीद के लानी होती है और अपने शोरूम ला के बेचनी होती है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। बस कुछ कुछ इसमें कमी है। और चलते हैं अभी वहाँ पे। यहाँ पे किसी वांटेड का पोस्टर लगाया हुआ है, लेकिन इस समय कोई मतलब नहीं है। हम चलते हैं नेबरहुड। बस इसमें अभी दो ही ऑप्शन है, एक नेबरहुड और एक शोरूम जाने का। तो हम आ गए हैं नेबरहुड, और यहाँ पर बहुत सारी हमें कार देखने को मिल जाएगी। कोई कुछ 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 बहुत सस्ती होती है, कुछ कुछ बहुत महंगी होती है। ये सस्ती सी कार हमें नहीं लेनी है। हमारे पास अभी $7,500 हैं, तो देखते हैं कोई एक बढ़िया सी कार, फिर उसको ख़रीद के फिर बेचते हैं। तो ये हमारे को मिली है पहली कार, ये कुछ फरारी जैसी लग रही है। अगर इसका प्राइस पूछ के देखते हैं, इसका प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही है, तो हम इसको नहीं अफोर्ड कर सकते। तो चलते हैं आगे, और आगे हमें ये कौन सी कार है, बी एम डब्ल्यू लग रही है। तो इसका प्राइस पूछते हैं, इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको भी छोड़ते हैं, अपने एक बजट वाली कार लेते हैं और उसको लेके चलते हैं फिर अपने शोरूम, फिर वहाँ पे जाके इसको हम बेच देंगे। यहाँ पे शायद मेरे को एक लेक्सस दिखी है, तो इसका भी हम प्राइस पूछ लेते हैं कि क्या है। अभी तो हम इसको नहीं ख़रीद सकते हैं, लेकिन हाँ बाद में हम ज़रूर ख़रीदेंगे जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो कोई बढ़िया सी कार नहीं मिली, जब पीछे की साइड चलते हैं वहाँ पर शायद कुछ मिल जाए कुछ कार। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे भी मतलब छोटी मोटी कार मिल जाएगी जो अपने बजट में होगी। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं कोई एक सस्ती सी कार फटाफट से, और उसको ले जाके अपने शोरूम में बेच देंगे, दुगना दाम करके बेचेंगे। और यहाँ पे ये कौन सी कार है, ODR8 दिखी है, इसका भी प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है मेरे को, तो इसको हम अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। यार पूछ के देखते हैं, इससे हमारे $7,500 में देगी, तो देखते हैं इसका क्या रिप्लाई। नहीं देगी, ये बहुत महंगी कार है। तो ये आगे भी हमें एक सस्ती सी कार देखने को मिल रही है, और ये क्या, इधर एक लैम्बोर्गिनी भी खड़ी है। तो एक बार शायद इसका हम प्राइस पूछ के देखते हैं, क्या पता लकीली हमारे बजट में हो। ना ना, ये हमारे बजट में नहीं है, बिल्कुल भी एकदम बाहर है। चलते हैं एक दूसरी कार, कोई सी सस्ती सी कार लेते हैं। यहाँ पर मेरे को एक ग्रीन कलर की कार मिली है। जैसे जैसे आप कार ख़रीदेंगे, तो इसमें हमें डैमेज भी देखने को मिल जाता है साथ ही में, कि कितना डैमेज हो रखा है, क्या है क्या नहीं। तो ये वाली कार पूछ के देखते हैं, इसको मैं डालता हूँ 3300। तो देखते हैं अभी इसका क्या रिप्लाई आता है। तो हमें मिल चुकी है हमारी पहली कार। तो ये हमारी पहली कार, तो इसको लेके चलते हैं अपने शोरूम में। देख लो ये कार थोड़ी बहुत ये आगे पीछे से थोड़ी सी डैमेज है, इसको हम रिपेयर करवा लेंगे। तो अभी लेके चलते हैं इसको। वैसे तो ये बहुत धीरे चल रही है, हाँ सस्ती सी कार है तो धीरे ही चलेगी, कोई नहीं, हम बाद में बड़ी कार भी ख़रीदेंगे फिर उसको बेचेंगे। तो अभी शायद हमें एक कार और लेनी चाहिए, देखते हैं कोई एक कार जो हम अफोर्ड कर सकें। अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ही कम पैसे बचे हैं, $4,200। तो पीछे की तरफ देखते हैं कोई कार। इधर ये हमने शुरू की कार नहीं पूछी थी, अगर इनको पूछ के देखते हैं, अगर हमारे बजट में हुई तो ले लेंगे, नहीं तो फिर इसी को लेके चलेंगे अपने शोरूम में। तो हम उतर चुके हैं अपनी कार में से, तो इससे पूछते हैं क्या रुपये की दे रहा है। बहुत ज़्यादा महंगी है भाई, इतने पास तो हमारे पास पहले थे, अब नहीं है पैसे नहीं डॉलर। तो इससे पूछते हैं, मैम जी क्या रुपये की दे रहे हो कार, ओ इसके भी बहुत महंगे प्राइस हैं, एक बार डाल के देखते हैं जितने हमारे पास बचे हुए हैं पैसे उसमें देती है या नहीं। नहीं, इसने मना कर दिया, ये नहीं दे पाएगी उतने पैसे में। कोई नहीं, अपनी इसी कार को लेके चलते हैं अपने घर, और घर नहीं शोरूम में,
फिर वहाँ पे जाके हम इसको बेच देंगे। तो ये था हमारा इस वीडियो का पहला पार्ट, बेचने वाला दूसरा पार्ट होगा जो कि इसके नेक्स्ट डे में अपलोड कर